गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम राहुल गुप्ता, वेलकम टू साइंस क्लास। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट तक पढ़ लिया था, सो आगे हमको पढ़ना है प्रोटीन से। सो लुक हियर, प्रोटीन से हमको स्टार्ट करना है। आप अपना बुक्स ओपन कर लीजिए और साथ में बुक रीडिंग भी करते रहिए। प्रोटीन्स, प्रोटीन हेल्प द बॉडी ग्रो, बिल्ड न्यू सेल्स एंड टिश्यू एंड रिपेयर द डैमेज टिश्यू, देयर फोर दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, तो वो क्या आंसर आप देंगे? प्रोटीन्स। इसको बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हेल्प करता है बॉडी ग्रो करने में, ये न्यू सेल्स का निर्माण करता है, बिल्ड न्यू सेल्स बनाता है, एंड टिश्यू, और नए टिश्यू का भी निर्माण करता है, एंड रिमेयर द डैमेज टिश्यू, जो टिश्यू खराब हो गए हैं उसको डैमेज भी करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। क्लियर? हमें अपने फूड में प्रोटीन्स को जरूर शामिल करना चाहिए। क्लियर? द प्रोटीन कॉन्टेन फूड आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। देखिए प्रोटीन किस में पाया जाता है? मिल्क में, मिल्क प्रोडक्ट में, मिल्क से जो बने सामान हैं, ठीक है, जैसे कर्ड, दही, तो इसमें भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चीज़, पनीर है, इन सबों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये सब हमको अपने फूड में शामिल करना चाहिए। बीन्स, पल्सेज, दाल में तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, तो इन सबों को आपको शामिल करना है। नट्स, एग्स, मीट, फिश, तो अपने फूड में हमें इन सब चीज़ों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है। क्लियर? एग्स, मीट, फिश, मिल्क, चीज, पनीर एक्सेट्रा आर एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ये जो है ये हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। एग्स है, मीट है, फिश, मिल्क, चीज, पनीर, ये सब किससे प्राप्त होते हैं? एनिमल से प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बीन्स, पल्सेज, पीज एंड नट्स आर प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये हमें क्या किससे प्राप्त होते हैं? प्लांट से प्राप्त होते हैं। बीन्स, पल्सेज, पीज एंड नट्स, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इसलिए हमको अपने फूड में प्रोटीन्स को शामिल करना चाहिए। फैट्स देखते हैं। फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड। अभी आप पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को भी एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है और इसको भी एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है, क्योंकि ये एनर्जी हमें देता है। दे कॉन्टेन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में दो गुना ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। जितना कार्बोहाइड्रेट में आपको एनर्जी मिलता है उससे ज़्यादा इसमें एनर्जी मिलता है। बट अनलाइक कार्बोहाइड्रेट दे डू नॉट गिव इंस्टेंट एनर्जी। लेकिन ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट से अच्छा नहीं है, ये तुरंत हमें एनर्जी नहीं देता है। वो कार्बोहाइड्रेट क्या था कि वो तुरंत हमें एनर्जी देता था, लेकिन ये हमें तुरंत एनर्जी नहीं देता है। वी शुड ईट द राइट अमाउंट ऑफ फैट्स। हमें एक राइट अमाउंट में, एक प्रॉपर अमाउंट में हमें फैट्स वाले जो है फूड लेने चाहिए। एज टू मच ऑफ फैट्स बैड फॉर आवर हेल्थ। अगर आप ज़्यादा फैट्स वाले फूड लेते हो तो ये हमारे लिए, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। क्लियर? अब देखिए फैट्स के सोर्स क्या हैं, किस में पाया जाता है? बटर, ऑयल, घी, चीज़, मिल्क, मीट एंड नट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ फैट्स। इसमें बटर में, ऑयल में, घी में, चीज़ में, मिल्क में, मीट में एंड नट्स में क्या पाया जाता है? फैट्स पाया जाता है। ये इसके फैट्स के सोर्स हैं। द फैट्स विच इज़ नॉट यूज्ड आवर बॉडी गेट स्टोर्ड अंडर द स्किन। द स्टोरेड फैट मेक अस ओबेज एंड इज हार्मफुल इन मेनी वेज। कैन यू नेम सम रिच फैट रिच फूड आइटम्स। तो फैट जो होता है वो हमारी बॉडी द्वारा यूज नहीं होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है द फैट विच इज़ नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी गेट स्टोरेड अंडर द स्किन। और ये स्किन के अंदर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, जिससे हमको क्या करता है? ये मोटा बना देता है। द स्टोरेज फैट कैन मेक अस ओबेज।
ये हमें क्या बना देता है, मोटा बना देता है, एंड इज हार्मफुल इन मेनी वेज। और ये हमारे हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। क्लियर? कैन यू नेम सम फैट रिच फूड आइटम्स? तो क्या आप कुछ नाम लिख सकते हैं फैट रिच, जिसमें फैट पाया जाता है? क्लियर? तो आप एक काम करेंगे, आप एक लिस्ट बना के आप घर पे अपने लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये हमारे लिए विटामिन और मिनरल्स भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्लियर? क्योंकि ये हमको बहुत सारे डिजीज, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो लेकिन इसकी आवश्यकता हमको बहुत ही कम मात्रा में होती है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। दे प्रोटेक्ट अस, गिव स्ट्रेंथ एंड फाइट अगेंस्ट डिजीजेज। ये हमें बीमारियों से क्या करता है, बचाता है, बीमारियों से फाइट करता है। देयर फॉर दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है, क्योंकि ये हमारा हमको बचाता है डिजीजेस से। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कॉन्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। दैट इज वाई आवर मील शुड हैव गुड पोर्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसीलिए हमको अपने आहार में, अपने मील्स में क्या करना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जरूर शामिल करना चाहिए। क्लियर? जिससे आप बीमारियों से बच सकते हैं। ये हमको क्या करता है, स्वस्थ रखता है। ठीक है, मोस्ट विटामिन्स गेट डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग और ओवर कुकिंग। ज़्यादातर जो विटामिन्स होते हैं, जब आप उसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा पकाते हो, तो वो क्या होते हैं, मोस्ट ज़्यादातर विटामिन नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कैन यू थिंक अबाउट वाई सलाद आर गिवन हाई इम्पोर्टेंस? इसीलिए सलाद को आपने देखा होगा, क्या आप सोचते हैं सलाद को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जाता है? अपने आहार में लोग सलाद जरूर शामिल करते हैं लोग, ज़्यादातर लोग। विटामिन सॉल्युबल इन फैट्स आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन। देखिए, जो विटामिन फैट में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन। अब देखिए, फैट में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, जो फैट में घुलनशील होते हैं, फैट में सॉल्युबल होते हैं, तो दीज विटामिन सर ए डी ई के जो विटामिन होते हैं, ये फैट्स में पाए जाते हैं। ये फैट्स में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, फैट्स में ये डिजॉल्व हो जाते हैं। विटामिन सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब जो वाटर में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है। ये वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। दीज विटामिन आर विटामिन बी एंड सी। ये कौन कौन से विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी है, जो वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है। मिनरल सच एज आयरन फॉर्म्स हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स। देखिए, हमें मिनरल जैसे कि आयरन, आयरन फॉर्म्स हीमो, आयरन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्लियर? सो यहाँ देखिए कुछ फिगर्स दिया हुआ है, फूड रिच इन विटामिन, इन सब फूड में क्या पाया जाता है, विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स। ठीक है, तो इन सब में क्या होते हैं, विटामिन और मिन, इसीलिए हमको अपने आहार में ये सब, अपने फूड्स में ये सब हमको जरूर शामिल करना चाहिए। विटामिन एंड मिनरल्स कॉन्टेनिंग फूड आर फ्रूट्स वेजिटेबल मिल्क आल विटामिन एक्सेप्ट विटामिन सी। अब देखिए, फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, मिल्क में, ये सब पूरे विटामिन पाए जाते हैं, केवल विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है। क्लियर? सो नेक्स्ट वीडियो में हम रफेज से स्टार्ट करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।